एसआरबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमें रखा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took पार्ट इन मैथमेटिक्स की 10 बच्चे हैं क्लास 10वीं के, वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स क्यूज में। तो आगे कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि जो लड़कियों की संख्या है इज 4 मोर देन, मतलब 4 अधिक हो नंबर ऑफ बॉयज लड़कों से, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है took पार्ट इन क्यूज, जो इस क्यूज में भाग ले रहे हैं क्यूज के अंदर, ठीक है। और हमें सबसे पहले इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, एक्स हम गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, लेट करेंगे, और वाई हम बॉयज को, क्योंकि देखो सबसे पहले इसमें नाम किसका लिया है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स का लिया है, गर्ल्स का लिया ना, तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कि भाई गर्ल्स को हम क्या कर लेते हैं, लेट, हम करते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इन क्यूज, टुक पार्ट इन क्यूज, तो क्यूज के अंदर हमने माना एक्स लड़कियों ने क्या लिया, भाग लिया। इसी तरीके से हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज टुक पार्ट इन क्यूज, सर क्यूज के अंदर हमने मान लिया बॉयज कितने, बॉयज ने भाग लिया वाई ने। अब इसने देखो किसी ने क्या कहा था कि 10 स्टूडेंट है, टोटल क्लास 10th के ना, वो ओनली कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं जो क्या करते हैं मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लेते हैं, तो जिसमें एक्स लड़कियां भी है और लड़के भी हैं वाई, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखो हमारे पास बन गई एक्स प्लस वाई, मतलब लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को दोनों को ऐड कर दें, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास के अंदर के 10, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यहां से बन गई है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास मिल गई है, सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, देखो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने क्या माना था एक्स, ठीक है, इसने कहा इज, इसका मतलब सभी को पता है क्या होता है, इजक्वल टू होता है। देखो आगे कहा है 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज वाई है उसमें क्या कर दो 4 मोर देन, मतलब 4 आप ऐड कर दो, मोर देन का मतलब अधिक। अब इस प्लस 4 को इधर ले क्या किसका हो जाएगा माइनस का, या प्लस 4 को चलो आप वहीं पे रहने दो, आप वाई को ले आओ, किसको लेके आओ, वाई को ले आओ, तो देखो भाई एक्स माइनस वाई प्लस 4 उधर रहा तो क्या हो गया प्लस का 4 ही है, तो मतलब इक्वेशन हमारे पास सेकंड ये बन गई, ठीक है। अब सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, हम करते हैं इसका टेबल, इनकी टेबल बनाते हैं, देखो इनकी टेबल बनाते हैं, तो एक्स वाई सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन की बना देता हूँ, ठीक है, यदि मैं एक्स की जगह 0 करता हूँ, तो देखो एक्स आप 0 कर दोगे तो वाई कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है, हमेशा मैं यही पॉइंट पुट करता हूँ, आप ये पॉइंट पुट करके देखो आपको बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। अब वाई 0 कर दो, बहुत सिंपल है वो, ठीक है, वाई को 0 करो तो देखो एक्स कितना बच रहा है, वही 10 बच रहा है, तो देखो पहला आपके पास टेबल बन चुकी है पहली इक्वेशन की, ठीक है। ऐसे हम सेकंड इक्वेशन की बनाते हैं, आप ध्यान से देखो, आप बिल्कुल बच्चों एक्स वाई उसी तरीके से एक्स की जगह 0 करते हो, तो देखो सबसे पहले आपने एक्स की जगह 0 किया, तो देखो ये क्या क्या बच रहा है हमारे पास है? कि भाई माइनस का वाई इजिकल टू 4, तो आपको तो वाई की वैल्यू चाहिए ना माइनस, तो आप क्या करो कि दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, किससे कर दो माइनस से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा ना, फिर देखो माइनस का 4 ये माइनस माइनस कैसे हो जाएगा प्लस, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 4, जब आपने एक्स की जगह क्या रखा है 0, अब आप y की जगह 0 करोगे तो देखो x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस की 4 आएगी, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये टेबल सेकंड इक्वेशन की बनेगी, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप लाइन खींचोगे, ठीक है, सबसे पहले हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट और करके दिखाना है, तो हम कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये कौन सी एक्स एक्सिस की लाइन होती है, ये सभी को होता है वाई एक्सिस की लाइन होती है, ये ओरिजिन, मतलब इसका हम ओरिजिन 0 0 पॉइंट होते हैं ओरिजिन के। अब देखो एक्स की हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितने सभी देख सो 10 है, तो हम कितने कितने का गैप ले लें, 2 2 का गैप लेते हैं, ठीक है, तो 2 का गैप और वाई की हाईएस्ट कितनी है 10 है, तो भाई 2 का गैप नहीं, आप एक काम करो आप हमारा 0 चलो 2 2 का ले लो 2 4 6 8 and 10, इसी तरीके से 2 4 6 8 और 10, ठीक है, देखो मैं दिख गया आप सभी को। अब देखो पहली इक्वेशन के लिए आ जाओ, x 0 है तो y 10 है, x 0 है भाई, x का मतलब x वाली लाइन है ना वो 0, तो y कितना 10, तो y का 10 ये रहा, आगे दे रखा भाई y 0 है तो x 10 है, तो y 0 x 10, तो ये हो गया, तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे स्केल की हेल्प से मीट कर देंगे, ठीक है, मिला देंगे इनको, ये हमने मिला दिया, ये कौन सी इक्वेशन का है, इक्वेशन फर्स्ट का है, तो आप इसके नजदीक लिख देना, ठीक है। अब देखो भाई सेकंड इक्वेशन का बनाते हैं, तो सेकंड में x 0 है ना तो y माइनस 4 है, तो माइनस 4 मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया, आप कर सकते हो माइनस 2 माइनस 4, आपको सर आपने 2 2 का गैप लिया है ना, तो हमें बिल्कुल सही है। देखो आप कहोगे सर सबसे पहले x 0 है ना तो y का माइनस 4, y का माइनस 4 कहां पे भी ये रहा, ठीक है, ओके सर। अब देखो सर y की जगह 0 कर रहे हो तो x का कितना है प्लस का 4, तो ये प्लस का 4 हो गया,
अब इन दोनों पॉइंट को आप क्या कर दोगे, मिला दोगे, ठीक है, ये हमारा इसका हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सी है, सेकंड है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करना था, ग्राफिकल करके दिखाना था और एक्स और वाई की, हाँ एक्स और वाई की वैल्यू अभी निकाले नहीं है, वो और निकालते हैं। आप ध्यान से देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, वो ध्यान से देखो, सबसे पहले इक्वेशन थी एक्स प्लस में वाई इजिकल टू टेन, सेकेंड इक्वेशन थी एक्स माइनस वाई इजिकल टू फोर। इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन आप अभी से ध्यान से देख लो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। दोनों इक्वेशन को आप ऊपर नीचे लिख के लाइन खींचिए। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो अपोजिट निशान मैंने बताया था, माइनस माइनस है अपोजिट प्लस, प्लस है अपोजिट माइनस। तो देखो ये माइनस का एक्स प्लस का एक्स क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब आप ढंग से देखो, प्लस का वाई और प्लस का वाई, तो मतलब प्लस के वाई वाई कितना हो गया, टू वाई हो गया ना, टेन में से फोर माइनस हो रहा है ना, टेन में फोर गया तो सिक्स, टू वन जै टू, टू थ्री जै सिक्स, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री। अब देखो जो वाई की वैल्यू, वाई को हमने क्या माना था, वाई को हमने माना था नंबर ऑफ बॉयज टू पार्ट इन क्यूज, तो मतलब हमारे पास बॉयज कितने आ गए, थ्री आ गए, कि तीन बॉयज हमारे पास इस मतलब कॉम्पिटिशन में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं क्यूज के अंदर, ठीक है। अब देखो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, तो आपके पास ध्यान से देख सकते हो ये सब वैल्यू दे रखी ना, क्या ये वैल्यू ढंग से देखिए, एक्स इजिकल टू वाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, थ्री, ये यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो आप कहोगे सर हमने वाई की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करी तो कितनी है, थ्री है ना, तो आप थ्री यहाँ पे पुट करो तो प्लस फोर, थ्री और फोर कितना हो गया सेवन, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपका सेवन आ गई, तो ये हमारे पास एक्स आ गया और ये हमारे पास वाई आ गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि सर हमारे पास एक्स गर्ल्स कितनी आ गई, सेवन आ गई, और बॉयज कितने आ गए, थ्री आ गए। टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे, टेंथ क्लास के टेंथ स्टूडेंट थे, ठीक है। आपको ऐसे करना है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार के क्वेश्चन की, और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक्स।